तारिक खान जी पिशावर से, वो कहते हैं जी कि बैरिस्टर इत्तेदाद हसन कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करें जिसकी वजह से इमरान खान का वोट बैंक मसलसल बढ़ रहा है, पाबंदियों के बावजूद उसकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई। दूसरी जानब इत्तेदाद साहब ने मियाँ नवाज शरीफ को इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियों का असल जिम्मेदार करार दिया। इत्तेदाद साहब के बयान पर आपकी राय दरकार है? मेरी राय मुरीद न्याजी साहब, पाकिस्तान वो पाकिस्तान का फख्र है, इंटेलेक्चुअल्स इतने खूबसूरत शायर, इतने बड़े आदमी, ये मुल्कों का फख्र होते हैं। जिन्हें हम फख्र शख्र कहते हैं ना, वो फख्र नहीं होते, वो सिर्फ फ़र होते हैं। मुरीद न्याजी साहब जैसा बंदा उर्दू अदब में ना पहले कोई था हुआ है ना बाद में होगा, शायरी में इन जैसा कोई नहीं और प्रोज में सादत हसन मंटो जैसा कोई नहीं। तो बाकी ये जो बात इत्तेदाद साहब ने किया कि नवाज शरीफ को इमरान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान दूरियों का असल जिम्मेदार, तो जुज़वी तौर पे तो डेफिनेटली, चूंकि दे आर राइवल्स, राइवल्स क्या हैं वो तो आप दुश्मनी की हद तक मामला जा सकता है। दूसरा, खुद पी टी आई का हदूद से तजावज़ करता, ये तो ऐसा मौका था कि बहुत सोच समझ के संभल के एक एक कदम उठाने की जरूरत थी। तो ये वट एवर हैज हैपेंड, ज़ाहिर है इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इसमें इमरान का अपना ज़ाती रोल कितना है, कम है, ज़्यादा है, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो कुछ हुआ वो यानी मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुझे किसी ने दिखाया, मेरे पास सेलफोन नहीं है, ना मैं देखता हूँ ना मैं रखता हूँ, मुझे किसी ने दिखाया ग्रोवर को इस तरह का नाम है, रिटायर्ड मेजर है, यंग आदमी है, इंडियन आर्मी के, और सोशल मीडिया पे काफ़ी मुझे बाद में उन्होंने बताया कि ये वो उनकी अच्छी साथ है। मैंने खुद सुना उनसे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज सिर्फ फौज नहीं है, ये ग्लू है ग्लू। फिर उन्होंने तर्जुमा किया उसका कि हर एक को समझ आ जाए, यानी ये गूंद है गूंद, इसने मुल्क को जोड़ के रखा हुआ। सो इन हालात में जो भी है, सो इतिहास। खुर्रम खान है जी रावलपिंडी से, वो कहते हैं तहरीक इंसाफ के हम लीडर शाह महमूद कुरैशी को लगभग एक माह बाद रिहा किया गया। रिहाई के बाद शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इंसाफ का आलम मेरे हाथ में है, शाह साहब की साबित कदमी पर आप कुछ कहेंगे? ये सवाल अगर आपका तो दो दिन पहले आया होता तो मैं शायद कुछ कह सकता, आप तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। शाह महमूद कुरैशी साहब गए हैं, इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात हुई है, मुलाकात का जो नेट रिजल्ट ये है कि उन्होंने मीडिया से बात भी नहीं की, और जो चीज़ें प्रेस में छपी हैं बदमजगी हुई या कोई एक्सचेंज ऑफ हार्श सेंटेंसेस, ये वो मुझे नहीं पता वो सही है गलत है, लेकिन बहरहाल ये बात होता है कि मीडिया खड़ा था बाहर, उन्होंने बात नहीं की, चक्कर की नहीं। तो अभी देखें, आपने साबित कदमी की बात की है तो अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, साबित कदमी का तो मामला अभी देखने वाला है।